हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक क्विक रिव्यू, मतलब अनबॉक्सिंग तो नहीं करेंगे पर एक रिव्यू जानेंगे कि ये मोबाइल कैसा है, कैसे इसको ख़रीदने में रहेगा, इसका क्या प्राइस है, इसका बैटरी कितना है, इसका प्रोसेसर क्या है, सब इंफॉर्मेशन, सभी स्पेक्स सब आज हम इस वीडियो में जाने रहेंगे। तो बने रहिए एंड तक वीडियो में, मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ स्पेक्स आप भूल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चले चालू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला इसका आता है की फीचर्स इसमें क्या, 80 वाट का चार्जर इन द बॉक्स मिलेगा, 50 MP का बैक कैमरा है, ट्रिपल कैमरा सिस्टम है विथ OIS, आप जानते ही हैं वन प्लस का OIS ही रहता है हमेशा। इसका 17.12 सेंटीमीटर का डिस्प्ले है और एक खास बात है ये एमोलेड डिस्प्ले है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। जी हाँ दोस्तों, 120Hz का रिफ्रेश रेट है जो कि और ही स्मूथ एक्सपीरियंस कर देगा। इसमें एक चिपसेट लगा है जो कि आप 5G चिपसेट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में, जो कि है Dimensity 9000। इसका एक्सपेक्ट रेशियो डिस्प्ले की बात कर सकते हैं तो ये आपका समझ ही सकते हैं 20:19 है, मतलब बिग डिस्प्ले भी है। अब जानते हैं कि नॉट के मोबाइल्स कितने खास रहते हैं। तो दूसरा इसका स्पेशल फीचर्स की बात करें तो एक सॉफ्ट एमुलेट है। एमुलेट आप जानते हैं दोस्तों कि उसका स्क्रीन बहुत ही अच्छा रहता है, उसके विंग मल्टी कलर्स एमुलेट स्क्रीन के LCD फुल HD डिस्प्ले से बेहतर रहते हैं TFT सैमसंग से। अब सैमसंग का मोबाइल तो अलग ही हो गया दोस्तों, पर ये अभी हम नॉट की बात कर रहे हैं, वन प्लस जो कि कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट में इसका बिट कलर डेप्थ HDR10। इसमें जो कैमरा यूज़ किया है दोस्तों, ये सोनी के कैमराज हैं। इसमें आपको स्पेशल फीचर्स में क्या मिलता है, जैसे आई कम्फर्ट मोड मिल गया, वीडियो कलर बूस्ट मिल गया, स्क्रीन कलर मोड मिल गया, ऑटो ब्राइटनेस है, ब्राइट HDR वीडियो मोड है, डार्क मोड है। इसमें टेम्परेचर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया, जो आपको 3 लेयर 2 लेयर जो कूलिंग सिस्टम रहता है दोस्तों, उसमें ये भी आपको दिया गया, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अगला इसके स्टोरेज टाइप की बात करें, इसकी रैम की बात करें तो रैम है 8 GB है, रोम है 16 GB। इसमें LPDDR5X है। इसमें स्टोरेज यूज हुआ है UFS 3.1। तो दोस्तों आपको बता दें कि जितना UFS ज़्यादा रहेगा उतना इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा। अगर 2.0 तो स्लो है, 2.5 है तो और स्लो, अगर 3+ है तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। मतलब स्पीड में कोई मामले में, परफॉर्मेंस के मामले इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है इस बार अपने वन प्लस नॉट 5G ने। ये ऑक्सीजन OS पे काम करता है, 13.1 पे एंड्रॉयड बेस्ड है, एंड्रॉयड 13 पे अभी चल रहा है, देख सकते हैं इसका ब्लैक कलर की लुक। इसकी स्पेक्स, मतलब इसकी प्राइस की बात कर लें तो ये 8 GB 128 GB 32,000 आपको मींस 33,000 के नीचे ही मिल जाएगा। ऑफर्स के साथ आपको 32,000-31,000 लगा के मिल जाएगा। इसमें एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर आप जानते ही हैं, 3.5 GHz का डिस्प्ले, रियर कैमरा 50 है, 5000 mAh की बैटरी है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका कुछ साइड ओवर लुक आप देख सकते हैं। अगर नेटवर्क टाइप की बात करें तो इसमें सिर्फ 5G ही सपोर्ट करता है, 5G, और 4G भी सिम चलेगा पर 5G नेटवर्क आपको नहीं दिखाएगा। ये दरअसल हर मोबाइल में ऐसा हो रहा है, 5G तो दिया है पर आप 4G लगाएंगे तो नहीं चलेगा। अगर आपके नेटवर्क एरिया पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ 5G अवेलेबल है कि नहीं, आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, 4G है कि 5G है, वो भी है, एक्सपेंडेबल नहीं है, ऑडियो जैक नहीं है, क्विक चार्जिंग आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में। इसका वाइट कलर है, आगे स्क्रीन में देख सकते हैं दो बड़े बड़े कैमरे हैं, एक फ्लैश लाइट का। आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है दोस्तों उसको जान लेते हैं। आपको बॉक्स मोबाइल मिलेगा वो तो सभी को जानते ही हैं आप लोग कि मोबाइल तो बॉक्स में ही रहता है। एक ठोक आपको 80 वाट का सुपर वोल्ट चार्ज मिलेगा,
जिसमें टाइप सी केबल रहेगा जो कि यूएसबी 2.0 है, मतलब टाइप सी बोल। और उसका रेड कलर का स्ट्रिप और अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये इसका जब हम खोले थे, अनलॉक किए थे, तो ये इसका स्क्रीन आप देख सकते हैं। इसका लिक्विड एमोलेड डिस्प्ले बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। अब इसका रिफ्रेश रेट के बात करें तो आप इसके किसी भी रिफ्रेश रेट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 60 हर्ट्स, 90 हर्ट्स, 120 हर्ट्स। इसमें रेजोल्यूशन 2772 मल्टीप्लाई बाय 1240 पिक्सल, मतलब 450 PPI का उसमें रेंज दिया गया है। मैक्सिमम 120 हर्ट्स जाता और मिनिमम 60 हर्ट्स। इसके कुछ साइड के वैल्यू का चार्जिंग पॉइंट है, इसका स्पीकर्स हैं, नॉइस कैंसलिंग माइक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नॉइस कैंसलिंग जहाँ आप बाहर में जाएंगे तो उसको। और कैमरा की बात करें तो इसमें सोनी का यूज़ किया गया है, IMX890 और सोनी IMX355, जो कि आप जानते हैं सोनी के कैमरे बहुत अच्छे होते हैं। इसमें CPU भी दिया गया है जिसमें डायमंड से की 9000 है। और इसमें 5000 mAh की बैटरी है दोस्तों, जो कि नॉन रिमूवेबल है। ये तो कॉमन हो गया है कि किसी भी मोबाइल में आजकल नॉन रिमूवेबल हो ही गया है, कि बैटरी रिमूव नहीं होते हैं। ये सब आप भी जानते हैं दोस्तों, ये बताने वाली चीज़ तो नहीं है, मैं एक बार बता देते हैं। कैमरा का भी बात हो गया, आगे बढ़ते हैं इसके फ़ोटोज़ की तरफ, इसका एक्चुअल फ़ोटोज़ क्या था। ये हमें मिला गया था तो हम आपको शेयर कर रहे हैं, दो फ़ोटोज़ हैं। अगला बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, एक हेडसेट मिलेगा, आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स दिया गया होगा, USB पावर मिलेगा, अडाप्टर मिलेगा, सिम इजेक्टर टूल बॉक्स में मिल जाएगा, जो सिम इजेक्टर मतलब कि सिम इजेक्ट करने वाला टूल। फ़ोन का केस आपको बॉक्स मिलेगा। पर ये अच्छा किया है दोस्तों नॉट वन प्लस ने कि अपना केस अपने बॉक्स में दिया, एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया गया है और चार्जर भी बॉक्स में ही है। डायमेंशन की बात करें तो 75.1 mm का इसका चौड़ाई बोल सकते हैं, और इसका मोटाई मतलब थिकनेस बोल सकते हैं 8.50 mm, मतलब हट्टा कट्टा एकदम मोबाइल लगेगा, प्रीमियम लुक देगा। लिक्विड डिज़ाइन का एमोलेड डिस्प्ले है जो कि ग्रीन कलर का है। एक कंपैरिजन कर लेते दोस्तों आखिरी में, एंड में आपको बताया नहीं था शुरू में, सॉरी। तो OnePlus Nord 3 जो अभी लॉन्च हुआ 5G और Nord CE 3, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। नॉट थ्री जो 5G है इसमें 6.74 इंच का है, और नॉट सी जो 3 था 6.7 इंच का था, वो भी फुल HD डिस्प्ले था। बाकी रिफ्रेश रेट तो दोनों में सेम था। ये जो प्रोसेसर है इसमें डायमंड सीटेड का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि 5G चिपसेट है 9000, और उसमें नॉट सी ई 3 में यूज़ किया गया था स्नैपड्रैगन 782G। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर भी ठीक रहता है, बैटरी एफिशिएंट माना जाता है, दोनों ही ठीक है, पर ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन ठीक रहता है। पर डायमेंसिटी भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, उसके मुकाबले के टक्कर भी बोल सकते हैं एक प्रकार। और कैमरा की बात करें तो दोनों में तो सेम ही कैमरा दिया गया था आगे और पीछे। रेयर की बात करें तो 50 था, 8 था, 2 था, दोनों में सेम ही था कलर। कलर्स की बात करें तो सेम कलर्स में अवेलेबल भी है फ़ोन आपको, वाइट, ग्रीन। और चार्जिंग बात करें तो दोनों में 80 वाट का चार्जर दिया गया था दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो इसमें 5000 mAh की बैटरी लियोन वाली इसमें दोनों में थी, उसमें भी है Nord CE 3 में। तो यही था कुछ इसका स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन डिस्प्ले के मामले में। तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों कि आपको कौन सा अच्छा लगा, Nord CE 3 या Nord OnePlus 5G वाला। तो ये आप देख सकते हैं इसका कुछ आगे से लुक, इसका लुक कैसे लगता है दोस्तों सामने से आप कमेंट करिएगा। मुझे तो अच्छा लगता है ये वाला लुक, इसका आगे और पीछे एक डिज़ाइन नोट के मोबाइल्स का।
और कैमरा बहुत बड़े बड़े दिए रहते हैं, जैसे वीवो में भी दिए रहते हैं। तो यही रही आज की वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में।